तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने लास्ट क्लास में बताया कि वीवीए क्या होता है, क्या क्या बनाते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे, हमने चीज लास्ट क्लासेस में कल की क्लासेस समझ लिया था, राइट जी सर। जी अब बात करते हैं प्रिपरेशन कि हम वीवी यूज करने से पहले क्या क्या प्रिपेयर करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको तीन चीज करनी पड़ेगी। पहला, आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। अगर डेवलपर टैब नहीं होगी, क्योंकि डिफॉल्ट होता नहीं, तो आपको जाना है फाइल मेनू बार के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, और इसके अंदर आपको दिखेगा कस्टमाइज रिबन। इस कस्टमाइज रिबन के अंदर जब आप आते हैं तो यहाँ आपको डेवलपर टैब दिखेगा, इसको अनेबल कर देना है। बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है, आपको चेक कर, ठीक है। अब ओके कर दीजिए। ओके करते हैं, आपके पास यहाँ डेवलपर टैब, डेवलपर टैब आने के बाद फिर आपको सिक्योरिटी को अनेबल करना, माइक्रो सिक्योरिटी। अब ऐसा क्यों करना होगा माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल? देखिए जब बाय डिफॉल्ट माइक्रो सिक्योरिटी डिसेबल होता है, जब भी कोई माइक्रो आप रन करेंगे तो अगर वो अनेबल नहीं है तो आपसे पहले अनेबल करने के लिए पूछेगा, देन माइक्रो रन। अच्छा सर, हाँ जी सर। सर क्या, अच्छा ये यहाँ तक तो खुल गया, ये क्या मतलब, क्या बोले सर? ये डेवलपर, हाँ खुल गया सर, ओके कर देता हूँ। अभी आप साथ साथ नोट कीजिए, अभी आप समझिए, नोट कीजिए, क्योंकि अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना, क्योंकि आप अच्छा सर आपका फोकस मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए, राइट। अब पता okay, चला कि आप कुछ और कर रहे हैं और मैं कुछ और बता रहा हूँ, आप इसे बोले सर क्या बताया पता नहीं चला, तो रिदम जाएगा। तो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, पहले आप अच्छे से समझिए। हाँ, डायरी ले लीजिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है कि हाँ इसको प्रैक्टिस ध्यान देना है तो नोट, ठीक है। जो चीज समझ में ना आई पूछ लीजिए। जी सर जी। और जब आप रिकॉर्डिंग, जब आप प्रैक्टिस कब कीजिएगा, जब रिकॉर्डिंग शुरू कीजिएगा, आप प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा, और उसके बाद कुछ ऐसा लगा जो रिकॉर्डिंग करते समय, प्रैक्टिस करते समय रिकॉर्डिंग से भी समझ में नहीं आया, तो मुझे कॉल कर लीजिए। हाँ अच्छा सर, सर मेरे को ये पूछना था, ये कोर्स कितना लंबा रहेगा और कितने दिनों में खत्म होगा सर? थोड़ा सा हमने आपको इसकी पीडीएफ फाइल भेजी थी, एक्चुअली पीडीएफ को नहीं पढ़ा आपने सही से सर? टीवीएफ में मैंने ये सब नहीं देखा कि कितना, उसमें 45 टू 55 आवर्स लिखा था, तो सर कितने दिन का कोर्स होगा ये टोटल? आवर्स का है तो तकरीबन 2 से 2.5 महीना लेके चलिए, 2 से 2.5 महीना, ठीक है। बस ये पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं सर, बस यही पूछ रहा हूँ। और सर क्लास सैटरडे संडे, सैटरडे संडे भी करवाएंगे सर की कोई मतलब मंडे टू संडे को? मंडे टू फ्राइडे, ठीक है सर। शुरुआत में तो सैटरडे संडे आपको लगेगा कुछ नहीं है, खाली है, लेकिन जब आगे चल के आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे, बहुत सारे होमवर्क्स रहेंगे, क्योंकि आप डेली तो जॉब करेंगे, डेली आपके पास उतना टाइम मिलेगा नहीं, तो छुट्टी के दिन में आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, ठीक है सर जी। समझ गए। ये सर अपना मेंटल मेकअप के लिए मैंने बनाया कि भाई कितना वो रहेगा, एक मेंटल मेकअप हो जाता है सर जी, तो थोड़ा सा ठीक है। हाँ, 2 से 2.5 महीना कोर्स आपका चलेगा, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होगी। अच्छा सर, फेस्टिवल वगैरह है तो छुट्टी होगी, अगर हो भी सकती है नहीं भी सकती है, वो डिपेंड करता है मेरे सिचुएशन पे, कि मुझे अगर घर जाना पड़ा तो छुट्टी होगी, घर नहीं जाना पड़ा छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे हम अनेबल माइक्रो की बात कर रहे थे कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है माइक्रो, माइक्रो सिक्योरिटी आपको अनेबल करना। जी सर जी, ये वो वाली सिक्योरिटी कल आप बता रहे थे कि इनेबल करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपने बॉस को भेजेंगे और एरर आ रहा है तो आपकी फाइल करप्ट हो गई वगैरह वगैरह वाली चीज बता रहे थे। ये हर एप्लीकेशन लेवल पे होता है, मतलब कि आपने अनेबल किया तो आपके पीसी पे रहेगा, आपने किसी को फाइल भेजा तो उसके यहाँ बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं हो जाएगा। अच्छा सर, उसको इनेबल करना पड़ेगा, मतलब जी हाँ, हर एप्लीकेशन में इसको अनेबल करना पड़ेगा और आप ही को अनेबल करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन तो सर जी एक मतलब सर जी एक क्वेश्चन, जैसे मैंने कोई बहुत सारा मैं टास्क करता था और उसकी एक मैक्रो शीट बना के मैंने भेज दी सामने वाले को भी, तो अब ये कैसे बताएंगे उसको भाई इसमें मैक्रोस लगी हुई है, अपना इनेबल करो? जैसे ही वो फाइल ओपन करेगा उसको अनेबल माइक्रो बता चल जाएगा, और जब हम बनाएंगे अच्छा। तो उसका प्रोसीजर लिखेंगे, जैसे बटन्स वगैरह रख देंगे या ओपन करते ही पॉपअप दे देंगे,
वो सिचुएशन देगी दिया जाएगा अच्छा ना, यूजुअल फॉर्म ओके उसी सर चीज के लिए है ना, ओके सर जी ओके ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कैसे पता अलाइनमेंट, हम मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग टू फिट करना है, कैसे पता चलेगा? तो अलाइनमेंट वाले सेक्शन में यहाँ पे स्ट्रिंग टू फिट हो गया, क्लिक करते अप्लाई। तो इस तरह की पॉपअप डिजाइन करेंगे जहाँ पे यूजर अपना सेलेक्ट करेगा और ओके करते उसका काम हो जाएगा। अच्छा सर जी समझ गया। समझ गए? और कुछ पूछना है सर? नहीं सर सर चलिए तो टॉपिक के साथ चले। यस सर और एक रिक्वेस्ट है सर, हाँ आपको जी सर सवाल है पूछना है, अगर जो पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड है, उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप उसी समय पूछ लीजिए। अगर कोई टॉपिक, कोई ऐसा क्वेश्चन आउट ऑफ द टॉपिक है, मतलब कि है तो एक्सेल से जी रिलेटेड, वीवीएस से रिलेटेड, लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड नहीं है, तो उसको आप हाँ एक हाँ जगह पे डायरी में नोट कर लीजिए, क्लास खत्म होने से पहले या शुरू होने से पहले, शुरू होने के बाद आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर मैं टाइम दूंगा आपसे, पूछूंगा कि आपके पास क्वेश्चन तो नहीं, डाउट्स नहीं है, तो आप बोलेंगे सर मेरे पास ये डाउट है, क्योंकि बीच में पूछने से क्या होता है कि टॉपिक डिस्टर्ब हो जाती है जी आपकी भी और सर मेरी भी, तो एक इसको थोड़ा जी मेंटेन सर कीजिएगा, ठीक है? सर जी सवाल सर पूछने के लिए मनाही नहीं है, बस बस एक रिक्वेस्ट है कि टॉपिक से रिलेटेड सवाल उसी समय पूछ लीजिए, टॉपिक के बाद कोई और टॉपिक है या कोई और सवाल है तो आप क्लास खत्म होने के बाद, टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं आपको टाइम दूंगा पूछने के लिए, उस समय सारा पूछ लीजिए। सेम टाइम जी सर पूछते सर जाइएगा तो खिंचड़ी होने लगेगी सर, जी सर सर जी सर ठीक है? समझ हाँ गया इसको थोड़ा मेंटेन रखेंगे तो बेटर लर्निंग होगी। क्योंकि जी सर सर क्या है ना कि ये वीडियो पॉज सिस्टम तो नहीं ना है सर, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे दिमाग में सर लगा एक सवाल, एक आया हुआ एग्जाम्पल आया हुआ, आपने एक सवाल मार दिया वो एग्जाम्पल दिमाग से निकल गया, क्योंकि मैं तो ह्यूमन हूँ ना सर। हाँ जी सर बिल्कुल सर कंप्लीटली अंडरस्टूड सर तो मैं आपसे बात कर रहे थे कि माइक्रो सिक्योरिटी, तो माइक्रो सिक्योरिटी को सिर्फ एक बार एनेबल, ऐसा नहीं कि हर बार आपको अनेबल करना पड़ेगा, आपने एक एप्लीकेशन में एक बार अनेबल कर दिया तो हमेशा अनेबल रहे, और अनेबल सिर्फ आपके सिस्टम पे होगा, आप किसी को फाइल भेजेंगे तो यानी वहाँ ऑटोमेटिक अनेबल हो जाएगा। इसके पीछे रीजन है, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ क्लियर दे बता रहा है आपको, नॉट रिकमेंडेड प्रेजेंटली डेंजरस पोर्ट कैन रन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन, डेंजरस पोर्ट कैन रन मतलब कि सिंपल सी बात है कि वायरस रन हो सकती है, कोई आपको पोर्ट के रूप में किसी तरह का वायरस भेज सकता है, ठीक है? तो अगर आप इसको अनेबल कर लिया है तो आपको रखना पड़ेगा केयरफुल, किसी अननोन सोर्स से ली गई माइक्रो फाइल को रन नहीं करना, आप किसी अननोन सोर्स से जो फाइल है, कैसे पता चलेगा कि किसी अननोन सोर्स का फाइल है तो माइक्रो ही है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं फाइल टाइप्स। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको फाइल टाइप दिख रहा है जिसका एक्सटेंशन है डॉट एक्सलेस एक्स, दिख रहा है सर? हाँ जी सर अच्छा सर, बिल्कुल ये आपका एक्सेल एक्सेल की डेटा है, इसमें किसी भी तरह का माइक्रो नहीं है, जी सर सर ठीक है? लेकिन अगर इस तरह का फाइल टाइप है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सलेस एक्स, जिसमें इस तरह का एक्सप्लेनेशन मार्क्स बना रहता है, एक्सलेस एक्स एम नाम नाम कीजिएगा, एक्सलेस एम होता है, एम फॉर माइक्रो, माइक्रो अनेबल वर्कबुक बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है? माइक्रो अनेबल वर्कबुक। इसके अंदर में आपके पास माइक्रो भी हो सकता है और डेटा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डेटा ही हो, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ माइक्रो भी हो, और जरूरी नहीं है कि दोनों, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है? लेकिन अच्छा सर ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं एड इंस, क्या बोलते हैं? एड इंस। एड एड अगर ये आपके पास है तो 100% इसके अंदर माइक्रो ही है, क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का डेटा स्टोर नहीं होता। अगर आपको किसी ने ए फाइल भेजा तो अननोन सोर्स है, आप नहीं जानते हैं, आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आप इस फाइल को ओपन ना करें, या ओपन करने से अच्छा पहले माइक्रो को कर दे डिसेबल और अनेबल ना करें जब तक ये फाइल क्लोज नहीं कर देते, ठीक है? तो सर इसका ध्यान रखिएगा। उसके समझ बाद गया तीसरा जो सबसे बड़ा अहम है जो कि हमेशा आपको करना पड़ेगा, फाइल को सेव, और सेव वो भी डॉट एक्सलेस एम। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, पर एक और यहाँ पे क्या हो कि जो ट्रेनीज है वो आते हैं, माइक्रो बनाते हैं, अच्छा करते हैं, फाइल सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर ओपन करते हैं तो उनको उनका माइक्रो ही नहीं मिलता है, और मुझे कॉल करते हैं कि सर अच्छा मैंने एक माइक्रो रिकॉर्ड किया या एक माइक्रो को बनाया लेकिन वो माइक्रो मिल नहीं रहा है मुझे, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि फाइल को सेव करते समय क्या एक्सटेंशन दिया था,
बोले सर जो कुछ एक्सटेंशन नहीं दिया था, जो डिफॉल्ट था, डिफॉल्ट था। तो डिफॉल्ट क्या होता है? एक्सेल वर्कबुक, XLS, एक्सेलेस उसको XLS माइक्रो M कैरी में नहीं सेव करता होगा। है, माइक्रो कैरी नहीं करता है, इसलिए हमेशा हम एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक का इस्तेमाल करें। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा डिफॉल्ट है, आप बोले सर आपके यहाँ डिफॉल्ट कैसे है? क्योंकि तो मैंने एप्लीकेशन की सेटिंग को चेंज किया है। अगर आप भी को भी लगता है कि मैं माइक्रो फाइल ज़्यादा बनाता हूँ, तो आप भी अपने एप्लीकेशन की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो एक्सेल ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे सेव, सेव में यहाँ पे दिखेगा आपको सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट, सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, राइट। ये आपका फाइल डिफॉल्ट टाइप हो जाएगा। आप बोलेंगे सर मेरा अगर नॉर्मल डेटा सेव हो गया माइक्रो अनेबल वर्कबुक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्सेलस एम है माइक्रो अनेबल वर्कबुक है वो नॉर्मल डेटा को भी कैरी करता है और आपका एक्सेल मैक्रोस डेटा भी अनेबल कैरी कैरी करेगा। करता है। लेकिन हाँ वहां पे कहीं प्रॉब्लम होगा जहां पे माइक्रो फाइल जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसपे हम फाइल अपलोड करते हैं तो सिर्फ वो एक्सेलस या एक्सेलस एक्स को ही सपोर्ट करता है, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई और दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी तो सर। ऋतिक जी आप तीन चीज का मन कंफर्म कर लीजिए। सबसे पहले आपको डेवलपर टाइप चाहिए, उसके बाद आपको अच्छा माइक्रो सर, सिक्योरिटी एनेबल करना, ये दो चीज जो है आपको वन टाइम करना है, उसके बाद दोबारा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक पीसी पे एक ही बार होता है। ठीक है, जी सर, सर माइक्रो को लिखने से, माइक्रो यूज करने से पहले फाइल को सेव करना है, ये जरूरी है, ये आपको हर बार करना। और सेव करते समय माइक्रो अनेबल वर्कबुक का ध्यान रखना, आप चाहो तो आप डिफॉल्ट सेटिंग भी चेंज कर सकते हो एक्सेल ऑप्शन से। इसी समझ में आ गई, इससे रिलेटेड कोई डाउट? नहीं सर जी। बात करते हैं कि माइक्रो लिखे कैसे। तो डेवलपर में जाएंगे तो यहाँ दिखेगा आपको विजुअल बेसिक। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि रिकॉर्डिंग माइक्रो और वीवीओ, अब कुछ लोग माइक्रो जो वीवीओ के अंदर में कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे वीवीए और माइक्रो सीखना है। वीवीए और माइक्रो दो अलग अलग चीज नहीं है, समझ गए? जी सर जी, वीवीए लैंग्वेज है और माइक्रो उसका प्रोडक्ट, या वीवीए को हम फैक्ट्री कह सकते हैं और उसका प्रोडक्शन हम माइक्रो कह सकते हैं। जी सर ठीक है ना? तो अगर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और इस मान लीजिए रिकॉर्ड करके मैंने बनाया यहाँ पे माइक्रो कि यहाँ पे हमने लिख दिया नेम, हमने एक माइक्रो बनाया कि B1 पे नेम लिखते हैं, तो क्या कर रहा है? हमें स्टॉप करके दोबारा मैं रन करूंगा माइक्रो में जाके, तो ये B1 पे जाके नेम लिख देगा, लिख दिया नेम। हाँ जी सर, अब मैं विजुअल बेसिक पे जाता हूँ और यहीं पे एक और माइक्रो बनाता हूँ, यहाँ पे मैं खुद का माइक्रो बनाता हूँ, सब सब R/1 राइट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रेंज A1.वैल्यू इक्वल टू ID। ठीक है, अब देखिए अगर मैं माइक्रो R1 को रन करता हूँ तो A1 पे ID लिख देता है, राइट, और अगर हम समझ माइक्रो वन को रन करें तो B1 पे नेम लिख देता है। तो दोनों सेम है, गया दोनों सेम है, मतलब कि ये जो हमने बनाया माइक्रो अपने खुद से बनाया या रिकॉर्डिंग माइक्रो ने रिकॉर्ड किया, बोथ आर द सेम, इसके बीच इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, समझ गए? जी सर। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी बोलते हैं सर डिफरेंस कैसे नहीं है, साफ देखिए ऊपर और तीन लाइन सेम काम करने के लिए तीन लाइन का कोडिंग है, आपके यहाँ एक लाइन का कोडिंग है। सर लाइन अलग अलग हो सकती है इसलिए क्योंकि ये जो माइक्रो जो है ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है, जब हम टाइप करते हैं तो ओके उतना ही लिखते हैं जितना जरूरत है। सेम इसी तरह समझ से, सेम उसी तरह से जैसे आप अपने बॉस को, बॉस से छुट्टी लेनी है तो अगर आपको जाके बोलना है, जा बोलोगे बॉस कल नहीं आऊंगा कुछ काम है या फलाना काम, राइट, जाके तो नहीं बोलोगे गया ना सर। कि जी सर, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय आपसे सविनय, शाखा प्रबंधक महोदय फलाना सिटी फलाना कंपनी सब्जेक्ट 2 दिवसीय अवकाश लेने के संबंध में सेवा में श्रीमान, ऐसा तो नहीं बोलेंगे जाके। जी बिल्कुल लेकिन जब आपके बॉस ने बोल दिया कि भाई इसकी एप्लीकेशन लिख के दे दो मुझे,
तो क्या करेंगे आप, अप्लीकेशन में सिर्फ एक लाइन लिख देंगे कि बॉस कल छुट्टी चाहिए? नहीं सर, एप्लीकेशन तो फॉर्मली जाएगी पूरा टू द मैनेजर, सब्जेक्ट, फिर उसका नाम, फिर हाँ लेफ्ट हैंड साइड में सबको लिखते लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप जब जब रिटर्न की बात आती है तो आप ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हो, सेम उसी तरह से जब माइक्रो रिकॉर्ड होता है तो ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करता है, ठीक है ना? ये जी रहे? सर। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो और माइक्रो में ही डिफरेंस है, दोनों में यूज की जाने वाली प्रोग्रामिंग वीवीए ही है और दोनों वीवीए का ही इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फिर मैं क्यों सीखूं वीवीए जब मेरे पास खुद ब खुद एक प्रोग्रामर है जो प्रोग्राम कर दे रहा है। जैसे मेरे पास अगर चाइनीज लैंग्वेज का अगर इंटरप्रेटर है तो मैं चाइनीज क्यों सीखूं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी सर, बिल्कुल क्वेश्चन अराइज होता है कि हम क्यों सीखें अगर मैक्रोस वही काम करके दे रहे थे। तो इसके लिए इसके पीछे रीजन है क्योंकि माइक्रो जो यूज करता है उसमें बहुत सारी चीज नहीं करता, जैसे कि डायनेमिक नहीं करेगा। आपका डेटा, आपने आपका डेटा एक से लेके 100 तक है, आपने 100 तक रिकॉर्ड कर लिया तो हमेशा 100 तक ही वर्क करेगा, वो 100 से आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपने अच्छा, समझ। एक सिटी दिल्ली के लिए रिपोर्ट बनाया तो हर बार वो दिल्ली का ही रिपोर्ट बनाएगा, वो अगली बार मुंबई नहीं बनाएगा, ठीक है ना? तो डायनेमिक नहीं अच्छा होता। रिपीटेशन माने एक, मान लीजिए कि मुझे अगर एक काम करने का 3 लाइन का कोड है और मुझे उस काम को मुझे 100 बार कराना है तो माइक्रो रिकॉर्ड करते समय वो 100 बार उस 3 लाइन को रिपीट करेगा। लेकिन हम नॉर्मली वीवी प्रोग्रामिंग में लूप वगैरह लगा देते हैं। कंडीशंस अगर ऐसा हो तो ऐसा ना हो जैसी कंडीशन यूज नहीं कर पाएगा, कनेक्टिविटी कई जगहों से कनेक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है जो मेन मेन चीजें हैं जिससे जिससे हमारा एक ऑटोमेशन होता है वो काम ही नहीं करेगा आपका माइक्रो। जी सर, अब यह क्वेश्चन आता है जब ये सारा काम नहीं करेगा माइक्रो तो फिर हम रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज क्यों करेंगे? देखिए इसका दो यूजेज है, एक यूज आज मैं बता रहा हूँ, एक यूज मैं कल बता रहा हूँ, ठीक है? इसका यूज जो जी है, सर, इसका यूज बोला जाता है, इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि हम अभी फिलहाल इसको यूज आप करेंगे लर्निंग पर्पज से, मतलब कि एज ए डिक्शनरी के रूप। जैसे मान लीजिए आपको पेस्ट इस, आपको एक प्रोग्राम बना रहे हैं, आपको ये भूल गए कि पेस्ट स्पेशल करने का कोड क्या होता है, याद नहीं आ रहा है। अब गूगल शूगल पे जाने से अच्छा है कि आप क्या करो, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल करो और पेस्ट स्पेशल में मान लीजिए वैल्यू करना है ओके और एंटर। अब माइक्रो में जाके आप उस माइक्रो को एडिट करके उसका कोड देख सकते हैं कि पेस्ट स्पेशल का देखिए कोड क्या होता है और अपने माइक्रो में इसका यूज कर सकते हैं, राइट? जी सर, समझ गए। तो ये आपका रिकॉर्डिंग पर्पस से, ये लर्निंग पर्पस से डिक्शनरी। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते समय ऑक्सफोर्ड वगैरह, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और बहुत सारे ऐसे डिक्शनरी खरीदते थे ना, से हाँ जी वर्ड सर, समझ समझिए कि आपका एक डिक्शनरी के रूप में यूज होता है। गया सर। अब इसमें सवाल, यहाँ पे सवाल ये आता है यहाँ पे कि अब माइक्रो हम खुद से बनाना तो कैसे बनाए, क्या तरीके हैं? सबसे पहले आपको विजुअल बेसिक पे क्लिक करना होगा। अब कई बार डेवलपर टैब जी नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप अल्ट F11 प्रेस करेंगे तो विजुअल बेसिक का वीवी एडिटर खुल जाएगा। और सिर्फ एक्सेल पे जी नहीं, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस सब पे खुलता है, बस अल्ट F11 प्रेस कीजिए, ये आपको दिखा, इसको बोलते हैं वीवी एडिटर, विजुअल बेसिक एडिटर, एडिटर। राइट सर? और इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये आपके एक्सेल के साथ इनबिल्ट आता है, एक्सेल के साथ इनबिल्ट आता है, इनबिल्ट आता इसको करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप रन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज, और ये आपका कोड विंडो आता है। जैसे कि आप कोड करने के अच्छा लिए सर, यहाँ पे डबल क्लिक करते, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो व्हाइट विंडो जाएगा, जहां पे कर्सर ब्लिंक करेगा वहां हमारा कोड होता है। कई अच्छा बार सर, ऐसा हो सकता है कि चीजें ना हो तो आप यहाँ से ला सकते हैं, ये आपका Ctrl R शॉर्टकट है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के लिए, जहां से आप कई सारे फाइल में नेविगेट करते हैं, राइट? क्योंकि तो जितने फाइल आप यहाँ खोलेंगे उन फाइलों का लिस्ट होगा, उस फाइल के जितने नंबर शीट्स होंगे सीट्स होंगे, क्योंकि कोडिंग जब करेंगे तो कोई कोई पर्टिकुलर फाइल में करेंगे ना। जैसे यहाँ 3 फाइल TL का है, ये सॉल्वर का तो एडिंस है इसलिए आपको दिख रहा है, तो प्रोटेक्टेड एडिंस है, माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ है इसलिए है, एक हमारा बुक 3 है ये है,
तो जब इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर के जितने भी शीट्स होंगे वो शीट्स दिखेंगे और फिर इसके अंदर भी शीट्स दिखेंगे, ठीक है? तो इसको नेविगेट करना है कि मुझे किस सीट पे जाए, कोडिंग करनी है, मॉड्यूल्स पे जाना है, किस फाइल पे जाना है, तो आने जाने के लिए आपको चाहिए, तो ये आप यहाँ से ला ले या फिर व्यू के अंदर भी हमारे पास होता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोर, इससे लेके आ सकते हैं या प्रॉपर्टी बार, इससे प्रॉपर्टी बार की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि इसको सेलेक्ट करके रीनेम करना चाहिए, इससे रिलेटेड जो चेंजिंग करना यहाँ आता है। तो प्रॉपर्टी बार तो नॉर्मल नहीं आपको यूज होगा, लेकिन जब यूजर फॉर्म्स वगैरह यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी बार का अच्छा खासा यूज होता है। अब प्रोग्रामिंग करेगा क्या हम सीट वन पे डबल क्लिक करके प्रोग्रामिंग करें? तो प्रोग्रामिंग यहाँ पे करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर किसी ने सीट वन डिलीट कर दिया तो मैक्रो गया आप जैसे देखिए यहाँ पे जी सर, सर सब आर आर राइट ओपनिंग क्लोज कर दिया, मैक्रो बना दिया मान लीजिए एम एस जी बॉक्स यहाँ पे लिख दिया, ठीक है सर। मैं उसको रन करूंगा यहाँ मैक्रो में जाके तो रन हो रहा है, दिखा रहा है। कि अगर मैंने सीट डिलीट कर दिया गया मैक्रो मेरा, हाँ जी सर बिल्कुल गया, नहीं है ना जी सर, हाँ जी। इसलिए आपको मैंने बोला कि सीट के ऊपर किसी तरह का मैक्रो नहीं लिखते, रीजन समझ में आ गया? तो क्या हम वर्कबुक पे लिखें? जी हाँ वर्कबुक पे लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि दूसरे फाइल के साथ तो फिर वो नेविगेट नहीं करता है, रेफरेंस नहीं लेता है, इसलिए आपको ए भी नहीं करना। एक नाम डिफाइन करना है, फिर माइक्रो का नाम दे दीजिए यहाँ पे, माइक्रो का नाम दिया ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते आप देखेंगे कि सब और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंड सब आ जाए, और आप अपने एक्सेल में जाकर देखेंगे तो यहाँ टेस्ट नाम का मैक्रो बन गया। अब जो भी लाइन ऑफ कोड लिखना है मुझे इसी बीच के अंदर लिखना है, तो एक काम के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए एक मैक्रो बनाएंगे, ठीक है सर? और ध्यान देखिएगा कि इन लाइन के बाद या पहले अगर कोई कोड लिखते हैं तो मैक्रो के अंदर कंसिडर नहीं होगा, वो एरे नहीं होगा, रन नहीं करेगा, ठीक है ना? जब भी हम कोई कोड रन करेंगे इन दोनों के बीच में ही करेंगे और इसके अलावा कहीं नहीं करें, जस्ट इनके बीच में, राइट? जी सर। अब बात आती है कि माइक्रो नेम जो आप देते हैं उसके अंदर भी एक फर्क है, जैसे माइक्रो में टेस्ट टुडे ये नाम गलत है, माइक्रो के क्योंकि स्पेस आ गई, जी हाँ किसी भी स्पेस आ गई, स्पेस या किसी तरह का डॉट डैश स्लैश स्पेशल कैरेक्टर जो होता है वो आप नहीं डाल सकते, राइट सर? अंडरस्कोर आप डालिए, एक नाम के दो माइक्रो सेम फाइल में नहीं होते, समझ गए? एक फाइल जी सर, एक माइक्रो पहले चीज। दूसरा तीन डिजिट का अंतर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राज वन, ये माइक्रो नेम भी गलत है, राज वन या राय वन, देव वन ये गलत है, या देव दस या देव हंड्रेड या देव फाइव थाउजेंड गलत है। क्यों गलत है सर? डिजिट है पहली बात, तो डिजिट नहीं आ सकती। आप जब रिकॉर्ड करते हो तो माइक्रो वन माइक्रो टू माइक्रो थ्री होता है ना? हाँ, तो ऐसे राज वन राज टू, तो इससे नाम की प्रॉब्लम आएगी और डिजिट आएगी, तो इसलिए रिकॉर्ड में मतलब सेव नहीं कर सकते। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपका रेफरेंस, जब रन करने जाएंगे तो रन ही नहीं होगा, राज वन पहुंचे क्योंकि राज वन नाम का आपके पास रेफरेंस है। तो तीन डिजिट इसलिए बोला मैंने आपको क्योंकि आपका कॉलम का रेफरेंस जो है ना XFD1 है, और ये चीज बहुत बड़े बड़े लोगों को पता नहीं होती। मैंने कई सारे VBA डेवलपर से पूछा है, इंटरव्यू वगैरह लेता हूँ कंपनी के लिए, आप इंटरव्यू भी लेता हूँ, तो जब उनसे बात करता हूँ तो बोलते हैं सर मुझे लूप आता है, मुझे इफ आता है, मुझे कंडीशन आते हैं, सब कुछ आता है, मैं VBA में एक्सपर्ट। तो मैं उससे सवाल पूछता हूँ कि बताइए कि माइक्रो का नेम मैंने दे दिया राज वर या देव वर या देव 5000, नाम कंसीडर नहीं है, क्यों गलत हुआ, क्यों गलत होता है? तो वही जवाब देता है जो आप देते हैं कि नंबर है इसलिए, सेम टिट्टो। मैं बोलता हूँ माइक्रो वन माइक्रो टू माइक्रो थ्री में तो नंबर है, वहाँ तो अप्लाई ले लेता है, और हम देते हैं तो नहीं लेते हैं, क्या ऐसा फिक्स है कि रिकॉर्डिंग में मिलेगा, ऐसा ना मिलेगा, और 99% बंदा सक पका जाता है।
तो अब समझ गया सर। मैं उसको बोलता हूँ कि आप जो है ना माइक्रो में एक्सपर्ट नहीं है, माइक्रो जानते हैं बट यू आर नॉट एक्सपर्ट, क्योंकि ये एक बेसिक सी चीज है। क्योंकि रेफरेंस का नाम जैसे राजवन दे सकता है, दिया जा सकता है, देववन दिया जा सकता है, क्या सर दिया जा सकता है ना सर। जी बिल्कुल दिया जा सकता है सर। तो उस समय एरर शो होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एरर क्यों शो होगा। इसके बीच में आप अंडरस्कोर लगा दीजिए तो कोई फर्क नहीं, ठीक है। जी सर। अब यहाँ पे अपना माइक्रो दे सकते हैं। अब माइक्रो के अंदर में पहला लाइन क्या लिखे, देखिए आपका बीवी प्रोग्रामिंग चार वर्ड पे टिका हुआ है। पहला है आपका एप्लीकेशन, दूसरा है आपका वर्क, तीसरा है आपका शीट, चौथा है आपका रेंज। ये मेन चार ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप जब कोई वर्ड बोलते हैं, जब कोई सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपका नाउन या प्रोनाउन क्या संज्ञा सर्वनाम दो ही जो मेन वर्ड होते हैं ना, हाँ जी सर बिल्कुल होते हैं, मतलब किसी आदमी का शब्द और फिर उसको हम कैसे रेफर कर रहे हैं, मतलब अनिल है तो ही, गर्ल है तो शी, मतलब। हाँ मतलब कि दोनों में से कोई एक ही होगा ना, दोनों मोस्टली हाँ जी सर। मोस्टली होता है, हर जगह तो नहीं होता, कई बार तो हम आर यू ऐसे शब्द यूज करते हैं, डू जी यू शब्द यूज करते हैं, तो वो एक्सेप्शन है। यस लेकिन मोस्टली वर्ड जो होता है, सेंटेंस जो होता है, ये हमारे नाउन और प्रोनाउन से शुरू होता है। उसी तरह से एक्सेल के अंदर, वीबीए के अंदर मोस्टली जो आपका कोड होता है एक्सेल वीबीए में, वो चार ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। हालांकि शुरू लूप से भी होता है, इफ से भी होता है, और भी बहुत सारे कोड इससे शुरू होता है, लेकिन मेन मेजर जो है इसी से शुरू। तो क्या होता है, जैसे मुझे वर्कबुक ऐड करना है, तो लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट, तो इसको बोला जाता है, मेंबर, सॉरी ऑब्जेक्ट, इसको बोला जाता है मेंबर। या बोल सकते हैं कि लोकेशन एंड एक्शन, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या, बस इसी तरह से कोड लिखा। हाँ कई बार जो है कोड के अंदर में डिटेल्स डाला जाता है, जैसे वर्क, जैसे हम बोलते हैं वर्क बुक्स, इसके अंदर में बुक वन डॉट एक्सलेस एक्स डॉट सेव एज, कहाँ ई ड्राइव में, स्लैश 2022 स्लैश 123 डॉट एक्सलेस एक्स, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। लेकिन मेजरली क्या है, दो ही है ना सर, वर्कबुक आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और सेव एज क्या हो गया मेंबर हो मेंबर। गया। तो सर ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, वर्कबुक एक बनाएगा जिसमें बुक वन खोलेगा और उसको ई ड्राइव में नहीं सेव नहीं कर नहीं नहीं देगा अलग एक्सेल। चीज, नहीं, अलग है, ये दोनों के बीच में कोई समान लिंक नहीं है। ये क्या कर रहा है कि बुक वन को सेव एज कर रहा है इस ड्राइव में 123 के नाम से। ये क्या कर रहा है, एक नया फाइल ओपन कर रहा है। अगर नया फाइल ओपन करते समय अच्छा अगर बुक वन नहीं हुआ तो एक कोड रन नहीं करेगा, क्योंकि कोड को बुक वन मिलेगा ही नहीं। अच्छा सर समझ गया। तो फिर वो होता है रिलेटिविटी, एक सेंटेंस जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं, तो एक सेंटेंस से जो दूसरा सेंटेंस बोलते हैं, तो पहले सेंटेंस से रिलेटिव होता है ना वो। हाँ जी सर समझ गया। उसी तरह से जब एक लाइन हम लिखते हैं, तो दूसरा लाइन उस पहले लाइन की रिलेटिव होता है। तो यहाँ कोई रिलेटिव नहीं, इनको दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, ठीक है ना। बस मैं आपको सर समझा रहा हूँ कि जब कोड लिखने का दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप वर्कबुक ऑब्जेक्ट और मेंबर लिखते हैं। दूसरा तरीका होता है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिटेल्स, मेंबर एंड मेंबर की डिटेल्स, ठीक है, जी सर। ये डाला जाता है। अब आगे की चीजों पढ़ने से पहले आपको एक आर्टिकल को थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सल डैश वीबीए डॉट कॉम सिंपल सा आर्टिकल है, हालांकि मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, बट ये सिंपल आया है। इसके अंदर तकरीबन 33 चैप्टर्स हैं, उसको आपको पढ़ना है। अब मैं ना इस वेबसाइट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ना ये मेरा वेबसाइट है, ये बेसिकली किसी और का वेबसाइट है। लेकिन मैं आज से 12 साल पहले जब मैंने सीखा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, अच्छा ठीक है सर, ना। ये ये 24 to 33 चैप्टर्स पढ़ने। हाँ, तो आप, अब मैं नहीं बोलता पूरा पढ़े, पर जितना पढ़ सके उतना पढ़ लीजिए। इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है ना, देख पा रहे समझ हैं गया आप, सर। इमेज के थ्रू अच्छे से वर्ड में लिखे हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इससे आपको बेसिक जो है बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझे। जी सर। तो
ये आप पढ़ लीजिए, कोई बड़ा नहीं है टॉपिक, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए और फिर हम कल इसके आगे की चीजों के बारे में डिस्कस करें। तो कल की जो टॉपिक हमारी होगी, रिकॉर्डिंग माइक्रो को कैसे एडिट किया जाता है।